Hi kids, today I am going to show you how you can obtain pure water by using the process of distillation. For this process of distillation, I have taken my steamer. मेरे पास ये इलेक्ट्रिक स्टीमर है. मैंने इसमें गंदे पानी को ले लिया. यू कैन सी हियर इन द वीडियो हाउ डर्टी दिस वाटर इज. इट इज सो डर्टी दैट यू कांट इवन लुक थ्रू इट. इट हैज बिकम टोटली ओपेक. और बेटा मैंने ये एक पाइप लिया है दैट इज हीट रेसिस्टेंट. एंड हियर इन दिस बोल आई हैव टेकन आइस कोल्ड वाटर. बिल्कुल ठंडा पानी मैंने इसमें लेकर के रखा है. क्यों रखा है आपको समझाऊंगी. एंड दिस इज माई कलेक्शन चैम्बर. आई हैव टेकन माई ग्लास फॉर इट. यू कैन सी दैट इट इज एब्सोल्यूटली ड्राई फ्रॉम इनसाइड. आई एम गोइंग टू पुट दिस ग्लास इन टू दिस आइसी कोल्ड वॉटर. यू कैन इवन पुट ब्लॉक्स ऑफ आइस हियर इन दिस बोल. As you can see in the video, I have put one end of this pipe into the outlet of this steamer. बेटा इस स्टीमर का आउटलेट जहां पर था वेपर के लिए वहां पर मैंने पाइप के एक एंड को डाल दिया. Now the problem was that the outlet was bigger in diameter और मेरा पाइप जो है वो थोड़ा छोटू था. तो मैंने क्या किया, I have taken help of this aluminium foil. मैंने aluminium foil से जो भी extra यहाँ पर होल बच रहा था उसको कवर कर दिया है. ठीक है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस अदर एंड इनटू माय कलेक्शन चैम्बर एंड देन आई एम गोइंग टू कवर इट्स माउथ. टेंटेड़े नाउ माय डिस्टिलेशन अपैरेटस इज एब्सोल्युटली रेडी टू वर्क. लेट मी स्विच माय स्टीमर ऑन एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Okay, now electricity is going there and it is going to provide heat to this water so that it starts boiling and water starts getting converted into water vapor. Let's wait for some time and see. You can also see the level of water here. Okay, so you can see that water has started to boil. Water vapors are getting formed because you can see these tiny water droplets getting settled. Now, as you know that vapor rises upwards. So water that is getting converted into water vapor that will travel through this pipe. You can see the water droplets inside. Chote chote tiny droplets. Yes, you can see. Ye dekho. Okay, now let us check what the status is. Yahan par aap dekh sakte ho that this much water has got evaporated. वाटर का लेवल देखिए नीचे आ गया है. बाकी जो है वो वेपर बन के इधर आ गया है. अब देखते हैं कि इस चैम्बर में जो वाटर कलेक्ट हुआ है वो कैसा दिखता है. सो आई एम गोइंग टू अनकवर इट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. Wow. You can see here that the water that I have collected in this glass that is absolutely transparent. Now I am going to pour it into a transparent glass so that you are able to see how clear this water is.
अभी आप देख सकते हो मैंने डिस्टिल्ड वाटर को और जो इम्प्योर वाटर था दोनों को साथ में रखा हुआ है, आप देख लो। नाउ अ फ्यू वर्ड्स ऑफ कॉशन फॉर यू, कुछ ऐसी बातें जिनको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। बेटा द एक्टिविटी दैट आई कैरिड आउट बिफोर यू जस्ट नाउ दैट वाज ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, मैं आपको दिखाना चाहती थी कि डिस्टिलेशन एक्चुअली में है क्या, कैसे डिस्टिलेशन को किया जाता है, कैसे वाटर को वेपर में कन्वर्ट करके फिर उस वेपर को कंडेंस करके वी कैन ऑब्टेन प्योर क्लियर वाटर। एक बात बताऊं, अभी जो डिस्टिलेशन मैंने किया और उस डिस्टिलेशन से मुझे जो पानी मिला, आई एम हेजिटेंट टू ड्रिंक दैट वाटर, मैं उस पानी को नहीं पी रही हूं, नहीं पीना चाहती। क्यों पूछोगे मैडम, आप ही तो बता रहे हो ऐसे जो हमें पानी मिलता है दैट इज एब्सोल्युटली प्योर वाटर, फिर मैं उसे पीना क्यों नहीं चाह रही हूं? क्योंकि बेटा मैंने जो जुगाड़ लगाया था यहां पर आपको डिस्टिलेशन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, क्या किया था मैंने उसमें, आई हैड यूज्ड अ प्लास्टिक पाइप। हो सकता है बेटा कि इतने हाई टेम्परेचर पे प्लास्टिक के कुछ पार्टिकल्स, कुछ सब्सटेंसेस वाटर वेपर में मिक्स हो गए हो, हो सकता है कि वो 100% हीट रेसिस्टेंट फूड ग्रेड सेफ प्लास्टिक ना हो। और मैंने उस प्लास्टिक पाइप के एक एंड को स्टीमर के आउटलेट पे फिक्स किया था, वहां पर अल्यूमिनियम फॉयल लगाया था, अल्यूमिनियम फॉयल को फिक्स करने के लिए मैंने सेलो टेप लगाया था, ठीक है। तो वही मैं कह रही हूं कि हो सकता है कि इतने हाई टेम्परेचर पे प्लास्टिक के कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ सब्सटेंसेस शायद उस वाटर वेपर में मिल गए हो, और हो सकता है कि जो पानी मुझे मिला दैट इज नॉट वेरी सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। ये तो मैंने जुगाड़ लगाया था, जब भी डिस्टिलेशन का अपैरेटस बनाया जाता है तो कहीं पर भी इन बातों का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। आप सभी इस डिस्टिलेशन के प्रोसेस को घर में बड़ी आसानी से कर सकते हो, एक बड़ा ही सिंपल जुगाड़ मैंने देखा है यूट्यूब के चैनल्स पे, आप अपने मम्मी पापा के गाइडेंस में इसे जरूर करके देखना और उस प्रोसेस से आपको जो डिस्टिल्ड वाटर मिलेगा वो सेफ होगा पीने के लिए, क्योंकि वहां पर कोई प्लास्टिक वगैरह का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को पहले देख लो, आगे का डिस्कशन उसके बाद में करते हैं। दिस इज अ वेरी इजी एंड अ वेरी सेफ मेथड टू मेक डिस्टिल्ड वाटर एट होम। इसके लिए आपको एक बड़े बर्तन में पानी को गर्म करना है और उसके अंदर एक छोटे से बर्तन को बोल को डाल देना है और फिर उसे कवर कर देना है आपको किसी भी लिड से जो कि थोड़ा कर्व्ड हो, और आपको लिड को उल्टा करके रखना है ताकि वाटर वेपर्स जब ऊपर की तरफ राइज करें, ऊपर आएंगे तो वो कंडेंस होंगे। जल्दी कंडेंस हो इसके लिए आपने लिड के ऊपर आइस क्यूब्स को रख दिया है। वाटर वेपर जब कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होंगे तो अगर आप कर्व्ड लिड लेंगे तो वो सेंटर में आकर के कलेक्ट होगा और नीचे की ओर गिरेगा, इसीलिए हम लोग कर्व्ड लिड लेते हैं और उसको इन्वर्ट करके उल्टा करके रख देते हैं। आप देख सकते हैं इस छोटे से बोल में डिस्टिल्ड वाटर कलेक्ट हुआ है, कैसे, वाटर वेपर हैज गॉट कंडेंस्ड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, हियर योर डिस्टिल्ड वाटर इज। अब एक बात यहां पर एक कॉशन लोगे कि अगर आपने ग्लास का लिड लिया है तो उसमें ध्यान देना कि ग्लास लिड जो है वो काफी स्ट्रांग वाला हो ताकि क्रैक ना करे। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी बहुत गर्म चीज में अचानक से बिल्कुल ठंडी चीज को डाल देते हो तो वो टूट सकता है, जैसे कि आपने इसको वाटर वेपर के ऊपर डाल करके रखा हुआ है
तो ये बहुत गर्म होगा, उसके ऊपर आपने अचानक से जब आइस क्यूब्स को रखा तो हो सकते हैं वो क्रैक डेवलप करे। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी कॉशन लेना है, जो गुड क्वालिटी का ग्लास का लिड हो जो कि ढकने के लिए दिया गया हो आप उस लिड का इस्तेमाल करोगे, या फिर आप किसी भी मेटल से बने हुए लिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स इट।